जमशेदपुर के कांग्रेस के पोटका प्रखंड कमेटी द्वारा हाता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी, उपाध्यक्ष उदयनाथ मुर्मू उपस्थित रहे। और इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर और सुपरवाइजर केंद्र में विजिट नहीं करती है आदि कई मांग को लेकर बहुत जल्द उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही प्रखंड उपाध्यक्ष उदयनाथ मुर्मू ने कहा कि पोटका में खराब जलमीनार को जल्द से जल्द मरम्मत करने तथा आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार में गड़बड़ी और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि मैया योजना से भाजपा के लोगों को परेशानी हो रही है, यह योजना महिलाओं के लिए काफी लाभप्रद है। आज हम लोग एक तो संवाददाता सम्मेलन करके जिसको सार्वजनिक करना चाह रहे हैं। हमारे तो चार बिंदु है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आंगनबाड़ी सेंटर में सुपरवाइजर के द्वारा जो है एक तरह से सेविकाओं का शोषण हो रहा है। उनका काम है विजिट करना सेंटर में जाके, जो विजिट नहीं हो रहा है ऑफिस में बैठ के खाली लोग जो है पैसे का उगाही करने का काम कर रहा है। और सरकार द्वारा जो दिया जा रहा पोषाहार है ये एक्चुअली बच्चा तक सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं पहुँच पा रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार जो है सुपरवाइजर है। तो इसके लेकर जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी पोटका प्रखंड की तरफ से सामने आने वाले दिनों में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और एक नारा रहेगा हम लोग। आपको धन्यवाद कि हमारे पोटका प्रखंड में हाता में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा है दो तीन बिंदु में से हम लोग कर रहे हैं। पहला है पोटका प्रखंड के अंतर्गत जो भी जल मीनार खराब पड़ा हुआ है उसको अविलंब उसको मरम्मत किया जाए, और दूसरा बिंदु है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों जहाँ पर भवन नहीं बना हुआ है उसमें अविलंब बनाया जाए। तीसरा है कि आंगनबाड़ी सेंटर जो चल रहा है इसमें जो आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर है वो विजिट नहीं कर, जिस तरह से वो लोगों का पौष्टिक आहार देने वाले हैं वैसा नहीं हो रहा है, और उसमें पूरा भ्रष्टाचार है सुपरवाइजर का जो